brought to you by American Pistachios. Brought to you by ITIL Series. रांची टेस्ट में टीम इंडिया अभी भी 134 रन पीछे है और यहां से टीम इंडिया को एक चमत्कारी साझेदारी की जरूरत है। वो सबसे पहले ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव, जिन्होंने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी कि टीम इंडिया ऑल आउट नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद कड़ा इम्तिहान जो है भारत के स्पिन गेंदबाजों का भी होगा। जो पहली पारी में बेअसर नजर आए, वहीं पर इंग्लैंड के स्पिनर्स ने कहर बरपा रखा है। रांची टेस्ट में फंस गई टीम इंडिया, पहली पारी में अभी भी 134 रन पीछे है टीम इंडिया। चार बल्लेबाज हुए नाकाम, तीसरे दिन होगा मुश्किल इम्तिहान। रांची में भारत की पहली पारी का आगाज ही डराने वाला हुआ था। टीम के खाते में अभी चार ही रन जुड़े थे कि कप्तान रोहित शर्मा पवेलियन लौट रहे थे। खैर, शुक्र है कि यशस्वी और शुभमन ने हालात संभाल लिए। उनकी 82 रन की साझेदारी को खत्म किया शोएब बशीर ने। शुभमन को 38 पर जाना पड़ा। शोएब अचानक खतरनाक रुख अख्तियार करने लगे थे। उनकी फिरकी पढ़ने में नाकाम होते जा रहे थे भारतीय बल्लेबाज। शुभमन के बाद शोएब ने पहले रजत पाटीदार और फिर रविंद्र जडेजा को चलता कर दिया। सारी उम्मीदें एक बार फिर यशस्वी पर ही टिकी हुई थी और एक छोर से इकलौते वही रन लूट भी रहे थे। फिर जब ऐसा लगा कि एक और शतक उनके खाते में आने ही वाला है, शोएब ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। उन्होंने 73 रन की उम्मीदों भरी पारी खेली। मुश्किल अभी टीम इंडिया के खेमे से टली नहीं थी, क्योंकि सरफराज भी आए और 14 रन की औपचारिकता निभाकर लौट गए। दूसरे दिन का खेल जब रुका तो ध्रुव जुरेल 30 रन और कुलदीप यादव 17 के साथ इंग्लैंड की बढ़त को कम करने की कोशिशों में जुटे हुए थे। तीसरे दिन इस जोड़ी का संघर्ष कितना रंग लाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि कप्तान और मिडिल ऑर्डर की नाकामी ने रांची के रण में मुश्किलें बढ़ा दी है। दूसरे दिन रविंद्र जडेजा की सटीक गेंदबाजी का ही नतीजा था कि इंग्लैंड की टीम 350 रन ही बना सकी, वरना जो रूट और ओली रॉबिन्सन तो मिशन 400 की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से रूट 122 रन बनाकर नाबाद रहे, एक ऐसा स्कोर जिसने पहली पारी में इंग्लैंड को इतराने का मौका दे दिया। स्पोर्ट्स तक ब्यूरो, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।